नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस इज योर होस्ट आशीष बुरवा फ्रॉम बुरवाज वे। आज है 23rd of July 2022। प्लीज वॉच टिल द एंड टू गेट द मोस्ट इन्फॉर्मेशन। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज लाइक द वीडियो एज इट इंस्पायर्स मी टू पुट मोर एफर्ट एंड मेक न्यू बेटर क्रिएटिव एंड इफेक्टिव कंटेंट फॉर यू। विदाउट फर्दर एडियो लेट्स बिगिन। डॉलर इंडेक्स 106.54 जो फ्राइडे में देखा गया है यूएस मार्केट में, यहाँ पे पहले बार आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, दैट इज आपका 30 मई वाला जो वीक है, उस वीक के बाद मई जून जुलाई मीन्स ऑलमोस्ट एंड ऑफ जुलाई आ चुका है, ये कैंडल जो है फर्स्ट इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल बना हुआ है। तो What it signifies is that हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा इसके लो के नीचे क्लोज एंड ऑल्सो द ट्रेंड लाइन, जो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके नीचे क्लोज, देन एंड ओनली देन हमारा जो फर्दर वीकनेस यहाँ पे है या नहीं वो देखा जाएगा। डॉलर इंडेक्स अगर हम वीकली डेली में देखेंगे, डेली में भी अच्छा खासा एक सॉफ्टनेस देखा गया सिंस 15th of July, और अभी हमें इंतजार है आपका 105.7080 के नीचे क्लोज। इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है तो ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके नीचे भी क्लोज दे देगा। इन सच ए केस वी मे एक्सपेक्ट थोड़ा सॉफ्टनेस इन डॉलर इंडेक्स। डॉलर रुपी में लास्ट वीक छोटा रेंज मूवमेंट हुआ है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 80.06 ऑन द हायर साइड एंड 79.73 ऑन द लोअर साइड। वीकली चार्ट में देखेंगे तो कोई सेल ऑफ का अभी तक सिग्नल्स दिख नहीं रहा है, लेकिन डेली में अगर इसको देखने का कोशिश करेंगे तो हल्का सा सॉफ्टनेस दिख रहा है। अभी हमें देखना पड़ेगा ये जो 14 जुलाई का जो मदर कैंडल है, व्हाई इट इज द 14 जुलाई मदर कैंडल, क्योंकि उसके बाद आपका तीन छह दिन इस कैंडल के अंदर में ही रेंज बाउंड ट्रेड किया है। तो ये मदर कैंडल के लो के नीचे थोड़ा सा सॉफ्टनेस हमें दिख सकता है और हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन ऑफ डॉलर रुपी ऑन द हायर साइड टू मेक न्यू हाईज। लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स हल्का सा सॉफ्टनेस आशा कर रहा हूं आरएसआई टर्म्स में, एंड वो जो सॉफ्टनेस है और भी मजबूत हो जाएगा अगर ये 79.60 के नीचे क्लोज दे देता है। जीबीपी डॉलर लास्ट वीक अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ दिखा गया है, उससे पहले वाले हफ्ते में जो वीकनेसेस था उसको ऑलमोस्ट मोर देन 90% रिकवर कर चुका है। और अगर हम आउटसाइड इनसाइड का देखेंगे, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड आउटसाइड इनसाइड इन बोलिंजर बैंड, तो ये वाला आउटसाइड है एंड ये वाला इनसाइड है, तो हमें थोड़ा सा हल्का सा इंडिकेशन है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है नहीं कि ये आपका 1.2675 के तरफ जाएगा बोल के, लेकिन हल्का सा इंडिकेशन है जिसको हमें डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कुछ इंडिकेशन है क्या। डेली टाइम फ्रेम में भी हल्का सा सॉफ्टनेस मीन्स इन हल्का इंडिकेशन है थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए, तो देर आर पॉसिबिलिटीज कि ये 1.2260 1.2280 के तरफ जाने का एक प्रोबेबिलिटी दिख सकता है। यूरो डॉलर लास्ट वीक में आपका रेट हाइक हुआ है, लास्ट थर्सडे को 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक, फर्स्ट टाइम आफ्टर 11 इयर्स। तो उसके बाद एक थोड़ा सा बुलिश पुल बैक देखा गया फ्रॉम द लो, एंड इसका जो प्राइस एक्शन हम देखेंगे, प्राइस एक्शन आपका में पॉजिटिविटी देखा जाएगा 1.0475 के ऊपर, 1.0475 के ऊपर एज पर द प्राइस एक्शंस, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें पॉजिटिविटी देख सकते हैं। डेली में अगर देखने का कोशिश करेंगे, डेली में एक जो
RSI टर्म्स में रेंज शिफ्ट बोलते हैं, ये हल्का सा एक इंडिकेशन है रेंज शिफ्ट का। देर आर पॉसिबिलिटीज के ये आपका 1.0375 के तरफ मूव हो सकता है, बिकॉज फ्राइडे वाला जो कैंडल है इट्स ए हैमर कैंडल, लेकिन इसका लोकेशन बॉटम ऑफ द ट्रेंड नहीं है, इन बिटवीन है, फिर भी इट इज अ पॉजिटिव कैंडल। सो वी मे एक्सपेक्ट सम पॉजिटिविटी इन कमिंग वीक। डॉलर येन वीकली में देखेंगे, फर्स्ट टाइम सिंस मार्च 2022 इतना बड़ा एक नेगेटिव वीकली कैंडल बनाया हुआ है। मींस ये भी हमें केयरफुली मॉनिटर करना है कि इसके लो के नीचे कंटिन्यूएशंस थोड़ा सा और भी सॉफ्ट बना सकता है, यानी येन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकता है टू द लोअर साइड। डेली में ये आपका जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था काफी टाइम से ब्रेक नहीं कर रहा था, ये पहले बार थर्सडे को ब्रेक किया एंड फ्राइडे को कंटिन्यूएशन दिया। दैट बीइंग द केस हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट होगा दैट इज 134.2030 के तरफ फर्स्ट सपोर्ट होगा एंड द सेकेंड सपोर्ट विल बी एट 131.25 से 131.50। GBP/INR वीकली चार्ट में एक अच्छा खासा आउटसाइड इनसाइड बनाया हुआ है एंड ऑल्सो डाइवर्जेंस इज देयर ऑन RSI टर्म्स। दैट बीइंग द केस हमें देखना है कि आने वाले एक दो हफ्ते में 98 से आपका 98.50 टारगेट आता है या नहीं आता है। ये 98 आने के बाद हमारा नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा, वो अभी यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी देखना है कि आने वाले एक या दो हफ्ते में क्या GBP/INR 98.50 के तरफ मूव कर रहा है या नहीं, यही इंडिकेशन हमें वीकली टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है। डेली में देखेंगे, डेली में यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा ऊपर बायस है। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑन डेली टर्म्स होगा दैट इज 96.50 से 96.75 एज द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड द सेकंड रेजिस्टेंस इज 98.20 से 98.50। EURINR वीकली में भी सिमिलर टाइप ऑफ आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस हुआ है, ऑल्सो आपका डाइवर्जेंस ऑन RSI टर्म्स, एंड दैट इज ए गुड इंडिकेशन कि देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज EURINR मे बी हेडिंग टूवर्ड्स 83.50 से 84.00 इन कमिंग वन और टू वीक्स, हायर चांसेस और प्रोबेबिलिटीज। एंड उसको हम अगर डेली टर्म्स में ड्रिल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बॉटम लेवल से अच्छा खासा पुल बैक दिया है और अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होना चाहिए दैट इज आपका 83.00 से 83.30 के तरफ इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। JPY/INR मैं रेगुलर बेसिस पे बोल रहा था आपका कि ये कंसोलिडेशन के बाद देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज फॉर बाइंग साइड, फर्स्ट टाइम ये आपका एक कैंडल ग्रीन जो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है एंड ऑल्सो हियर ऑल्सो आपका आउटसाइड इनसाइड है डाइवर्जेंस ऑन RSI टर्म्स एंड द डाइवर्जेंस इज नॉट दैट ग्रेट बिकॉज द नंबर ऑफ कैंडल्स इन बिटवीन आर वेरी हाई, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि आपका EURINR में मूव टूवर्ड 61.00, एक बार 61 के ऊपर क्लोज दे देगा देन वी विल बी कंसीडरिंग आवर नेक्स्ट कैलकुलेशन। डेली टर्म्स में देखेंगे ये कंसोलिडेशन के बाद फर्स्ट टाइम ये बाहर हो रहा है एंड ये और भी मोमेंटम देगा, जैसे डेली में RSI अबव 60 हो जाएगा तब जाके एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी आपका 1.28 लेवल पे काफी सपोर्ट देखे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, बेसिकली आप देखोगे आपका 1.3100 एंड 1.2800 के बीच में पिछले 5 हफ्ता ट्रेड कर रहा है, एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था ऑन द हायर साइड लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे
जो हमारा एक्सपेक्टेशन था 1.28, 1.2825 के तरफ ऑलमोस्ट टच करके ये दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हमें ये 1.28 एंड 1.31 के बीच में थोड़ा सा साइडवाइज चॉपी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब तक ये लो 1.28 के नीचे क्लोज नहीं देता है। 80 डॉलर में भी वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे लोअर लेवल पे काफी कंसोलिडेशन दिया हुआ है एंड लास्ट वीक में अच्छा खासा एक पुल बैक दिया है। व्हाट इट सिग्निफाइज, सम सॉर्ट ऑफ बायर्स आर गेटिंग एक्युमुलेटेड एट द लोअर लेवल। और यहाँ पे उससे पहले वाले जो हफ्ते का कैंडल है दैट इज ऑल्सो हैमर कैंडल, दैट सिग्निफाइज सम स्ट्रेंथ इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट एंड देर आर हायर चांसेस कि इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 0.7325। लेकिन इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आपका होगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 0.7000 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलेगा, उस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा ऑन ए वीकली बेसिस। देन सेकेंड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होना चाहिए दैट इज 0.7210 से 0.7230, ये ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होना चाहिए 0.7300। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में ये लोअर बॉटम लेवल पे काफी कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा गया। यहाँ पे देयर आर हाई अप चांसेस कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेके दैट इज 0.6850 के आसपास सपोर्ट लेके, सपोर्ट अगर कंसीडर किया जा सकते देन ऊपर में एक जाने का एक्सपेक्टेशंस है। डॉलर सीएनएच वीकली में जो ट्रायंगल था उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रांगली कंसोलिडेट कर नहीं पा रहा, ब्रेकआउट के बाद एक डोजी कैंडल दिया हुआ है। डेली में देखेंगे तो ये ब्रेकआउट ट्रायंगल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है लेकिन इसका जो ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा, यानी 14 जुलाई के कैंडल के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा काफी वीकनेसेस आ रहा है। तो ये प्राइस एक्शन को हमें और भी केयरफुली मॉनिटर करना है आने वाले समय में। यूके ऑयल लास्ट वीक में थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ था लेकिन फिर दोबारा ये ऊपर की तरफ पुल बैक किया है एंड आपका इट ट्रेडेड इन बिटवीन 107.56 एंड 99.54 ऑन ए वीकली बेसिस। अगर हम इसको डेली में कंसीडर करेंगे, डेली में हमारा जो एक्सपेक्टेशन था ये ट्रेंड लाइन के लो के नीचे 97 के आसपास का ट्रेड होने का, जो टारगेट दिया नहीं है एंड इसका लो जो ट्रेड हुआ है आपका 101.54 तक लो ट्रेड करके फिर यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। एनी डोजी कैंडल मतलब यहाँ पे एक पॉज कैंडल से, ये पॉज कैंडल सिग्निफाइज कि इसके लो के नीचे यानी आपका 21 जुलाई का लो के नीचे एक कॉन्टिन्यूशन हम देख सकते हैं एंड 21 जुलाई के हाई के ऊपर सम सॉर्ट ऑफ साइडवाइज चॉपी बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में देखेंगे कि यहाँ पे आपका लास्ट वीक का जो क्लोज है काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है एंड अपर लेवल पे भी प्राइस अच्छा खासा रिसेक्शन हुआ है। अभी हमें ये आपका दिस इज एक्टिंग एज ए क्रूशियल सपोर्ट दैट इज द 2.71 is expected to act as a crucial support. इसके लो के नीचे हमें एक अच्छा खासा softness expect कर सकते हैं यहाँ पे। अगर इसको daily में देखेंगे तो lower high, lower low formations continue चल रहा है और इसका जो immediate जो हम देखे हैं कि 2.71 is expected to be a good support and हमारा पूरा का पूरा जो focus रहेगा 26 and 27 जुलाई का फेड मीटिंग के ऊपर, रेट डिसीजंस के ऊपर, तो उसके ऊपर फिर दोबारा ये थोड़ा सा 26 एंड 27 को थोड़ा सा वॉलीटिलिटी क्रिएट कर सकता है। बट यहाँ पे अच्छा चीज ये है कि नॉन स्टॉप लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस कर रहा है, दैट बीइंग द केस जब तक ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस करता है तो एक ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड हाई अगर तोड़ देता है तो जैसे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो चौपीनेस बढ़ सकता है, बट एज ऑफ नाउ अच्छा खासा नीचे की तरफ है। द इमीडिएट सपोर्ट इज 2.71, इसके लो के नीचे थोड़ा सा और सॉफ्टनेस हो सकता है ये यूएस 10 ईयर ट्रेजरी पे। वीकली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स ऑफ दिस वीडियो, इट हेल्प्स आउट ग्रेटली।
थैंक यू अगेन, दिस इज आशीष बोरवा फ्रॉम बोरवाज वाइज साइनिंग ऑफ।